नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास ये आधार कार्ड है। मुझे अब जरूरत है कि एक ही पन्ने पर दोनों साइट का स्कैन करना है, तो कैसे करें? क्योंकि इसकी जरूरत हमें अक्सर होती है। उसे हम सेव कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक ही पेज पर हमें दोनों साइड का प्रिंट करना पड़ता है, लेकिन हम अलग अलग करते हैं। जैसे इस बाजू का स्कैन किया, सेव कर दिया, फिर इस बाजू का स्कैन कर दिया, फिर सेव कर दिया, तो दो पेज हो जाते हैं और दोनों पेज का हमें मेल करना पड़ता है या अलग अलग प्रिंट निकालनी पड़ती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दोनों साइड का स्कैन एक ही पन्ने पर कैसे करें और उसे कैसे भेजें या कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। पहले हम मोबाइल पर जब आते हैं तो हमें क्या करना है दोस्तों, कि प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ ऊपर हमें टाइप करना है स्प्लिट कैमरा, है ना, जैसे SPIT कैमरा। तो इसे हम ओपन करते हैं, तो यहाँ इंस्टॉल करके जब ऑप्शन आता है तो इसे हम इंस्टॉल करते हैं। स्प्लिट कैमरा अब इंस्टॉल हो रहा है। देखो, ये इंस्टॉल हो गया है। अब वो स्कैनिंग कर रहा है। जैसे वो स्कैनिंग खत्म करेगा तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो स्प्लिट कैमरा अब लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद ये अलाउ करने के लिए कहता है, तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। अब देखो कि हमारे सामने इस प्रकार का एक स्क्रीन आ जाता है। तो यहाँ ऊपर, यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार ऊपर नीचे एक बाजू डार्क है तो एक बाजू जो है सफ़ेद है, तो इस प्रकार ये आ जाता है। ये यहाँ मैं रखता हूँ और इसको पहले इसकी एक कॉपी या फोटो निकालता हूँ। अब ये कह रहा है कि रेडी फॉर सेकंड शॉट, तो इस आधार कार्ड को हम यहाँ ऐसा इस प्रकार रख देते हैं, तो फिर दूसरा शॉट ठीक उसी हिसाब से लेते हैं। देखो, अब हमने दोनों तरफ का स्कैन एक ही पन्ने पर किया है। अब देखो कि यहाँ जो बार दिखाई देता है, इसे पकड़ के हम यहाँ खींच सकते हैं, जैसे कि ये जो सफ़ेद है या जो काला है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसे सेव करते हैं। अब सेव होने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है, शेयर वाला जो बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ कैम स्कैनर या और भी जो कोई है, प्रिंट शेयर है, प्रिंट अगर करनी है तो डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं या कैम स्कैनर में जाके इसे और अच्छा बना सकते हैं। जैसे इसे एडजस्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखो, ये एडजस्ट होके में या बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो हम इसे अब सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मेल भेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक थी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जी हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।